असल मोहम्मद अजर शीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है जुमे का दिन जुमा मुबारक चौदह मार्च दो हज़ार चौबीस सियासी गप के साथ हाजिर खिदमत है आ, क्या वाकई ही अडियाला जेल मियाँ वाली जेल या बाकी को सीरियस थ्रेट्स है और क्या वजह है ऐसा और इस सारी चीज़ों का दो तिहाई अक्सियत से क्या तल्लुक है और इस दफ़ा गेम प्लान क्या है और इमरान ख़ान के नज़रिए को कैसे कुचलना है या कैसे कुचल के रखा है वो उस पर गुफ्तु होगी और मेन स्टोरी आज की मेरी होगी किसी कौ इसी कौम कौमी हिरो को फांसी की सज़ा क्यों नहीं गई ये यफार अली भट्टो साहब की कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री में थे चीज़ें निकाल के गुफ्तु करेंगे पहले आपको चल जाते हैं देखिए थ्रेट्स तो अपनी जगह पर मौजूद रहती है लेकिन ये आज ही के दिन क्यों है लोग बहुत से सवाल करते हैं उन सवालों का जवाब मेरे पास तो नहीं है कि जो हुक्मरान बैठे हैं हुक्मरानों के आपको पता है इनके तालिबान से राना सनाउल्ला की तस्वीरें हर एक को पता है देखी हैं, तो वो सवाल तो है ना कि जब अपने टारगेट पूरा करना है तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है तो ये इनडायरेक्टली इस पर भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कोई भी कहना हो लेकिन क्या जो ये थ्रेट है इस स्टेज के ऊपर इसका इमरान खान की रहाइयों से गहरा ताल्लुक है बिल्कुल है ऐसा मंडे से इमरान खान के साइफर के केस की ज़मानत सस्पेंशन मेन अपील चल रही है और ये अच्छा किया है कि मेन अपील पे ही बहस हो रही है और उसमें बड़े चांसेस हैं बरीयत के फिर तोशाखाना केस है और सेशन में इदत केस है साथ साथ क्या चल रहा है यानी फॉर्म पैंतालीस का तो चाल चक्कर चल रहा था ना अब अब तक ये भी एक रिकॉर्ड हुआ है कि रिकाउंटिंग में हजारों की तादाद में वोट पड़े और रिजल्ट तब्दील कर लिया गया और अब इसको अभी तक ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान तहरीक इन उस तरह ले नहीं सकी जिस तरह ले जाना चाहिए था इसको ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर जाएंगे तो हो सकेगा वरना इस तरह तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा सकें ज़रूरत अमर की है कि इसको इसी एंगल से इसी तरह देखा जाए कि जिस तरह आप मुल्क में जंगी हालात हैं इस इलेक्शन के माहौल को और इलेक्शन के सारे प्रोसेस को उस तरह से पाकिस्तान तहरीक साफ़ की विजिलेंस नहीं है जिस तरह होनी चाहिए यानी पूरी तवज्ह के साथ और हर केस में हर मामले को लड़ने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना है तो वो इनकी अपनी एक टीम साथ जानी चाहिए और वो लोग सारे साथ इकट्ठे शामिल होने चाहिए तभी ये जान लेकिन वरना प्लानिंग यही है कि इस तरह से डोग निकाल के 25 से 30 सीटें फिर दोबारा इस तरह निकाल के और दो तिहाई अक्सरियत झोली में डाल दी जाए अच्छा इसी के साथ मखसूस शिश्तें भी जुड़ी हुई हैं इसी के साथ सैनट भी जुड़ी हुई है सैनट का रिजल्ट आप, आप आप दे दिया है पंजाब का बाकायदा सोलह से अठारह मार्च यहाँ कागजात नामज़दगी दाखिल होने तो यहाँ का स्कैजल भी दे दिया है हर सुबह का अपना स्केजुअल आ चुका हुआ है अब सैनट में अगर आप नहीं जीते तो आप सैनट में भी आपकी तादाद कम है आपको अब आगे लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ किसी बड़े मैसेप प्रोटेस्ट की तरफ जाएगी और वो नए इलेक्शन की तरफ इन इलेक्शन से कुछ नहीं मिलना ये शायद खकान का बासी की बात से भी मैं इतफाक करता हूँ कि इन इलेक्शन से कुछ नहीं मिलना यानी आप कहें कि इसी में अगर आप बैठ जाए तो फार्म फोर्टी फाइव करेक्श करेक्ट हो जाए फार्म फोर्टी फाइव करेक्ट आपको मैंने पहले कहा था कि आपको फॉरेंसिक यहाँ से नहीं कराना फॉरेंसिक के लिए आपको बाहर की एजेंसियों से रबता करना है जो आपको एग्जैक्ट फॉरेंसिक कर सकेंगे चलें अब आखिर मेन स्टोरी की तरफ चलते हैं कि पैंतालीस साल कबल एक शख्स को फांसी दी गई ग्यारह साल कबल एक रेफरेंस दायर किया गया जिस पर बारह समाते हुई रेफरेंस का मकसद ये साबित करना कि फांसी देने का फैसला दुरुस्त या गलत चंद दिल कब, कबल इसके महफूज फैसले पर हरा दी गई जो आपके सामने है ये रेफरेंस था ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अदालत नहीं बैठ सकती है राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोल और मैं वो आदमी हूं जिसने जुल्फ्फार अली भट्टो का सारा ट्रायल रिकॉर्ड देखा है जुल्फ्कार अली भट्टो का जुडिशल मर्डर है जिस तरह वकील ले लिए गए जिस तरह एक अपील का हक ले लिया गया सेशन में था सेशन से उठाकर हाईकोर्ट ले आया गया सेशन सजा सुनाती है अपील हाई कोर्ट सुनती है हाई कोर्ट के बाद सीधी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था और 109 में ये पहला शायद है कि जिसमें कैपिटल पनिशमेंट फांसी हुई थी वकील छीन लिए वक, गए तीन सौ बयालीस का स्टेटमेंट जुल्फार अली भट्टो साहब का खुद खुद था और वकील ने जो कराची से एक वकील साहब थे वो आए और उन्होंने थरथल्ली डाल दी थी यहाँ मुख्तलफ दरख्वास्तें दी थी जिनके पास आप हमारी पांच मेंबर बेंच हाई कोर्ट के पास जवाब नहीं था और एक रात वो कराची में अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए कलबन जहर दिया गया था जयजा अख्तियार कहाँ रह गया था और जुल्फ़कार अली भट्टो को तनहा तनहा कर दिया गया इमरान खान के साइफर के ट्रायल बाकी ट्रायल में आप देखें तो इस तरह इससे करीब तीन लगभग वो भी साइफर का इशू था और ये भी साइफर का इशू था नवाब अहमद कसूरी का कतल क्या है अब आपके क्या जनाब हैरस ये कहते हुए इचरा थाने के एस एच ओ इंस्पेक्टर के हाथ से कलम क्यों गिर गया दस ग्यारह नवंबर उन्नीस सौ चौहत्तर की रात के आखिरी पहने पर इस मुकालमे के रावी और तब कौमी असम्बली के रुकन और तरीके इसलाल के सेक्रटरी इतलात अहमद रजा कसूरी के मुताबिक उन्होंने अपना कहा दोहराया अहमद रजा कसूरी उनकी वालदा और खाला चंद घंटे पहले इस हमले में बच गए थे जिसमें उनके वाले शदीद जख्मी हो गए थे जब उनसे पूछा गया कि आया उन्हें किसी पर शक है तो उन्होंने जुल्फ़ार अली भुट्टो का नाम लिया और गुजशत साल एक यूट्यूब टी वी चैनल आमर रजा के इंटरव्यू में अहमद रज़ा कसूरी ने बताया कि वो अभी पुलिस से यही लिखवाने की कोशिश कर रहे थे कि लाहौर के यू सी एस या यूनाइट क्रिश्चन हॉस्पिटल के सर्जन अफसोस का ज़हार करते हुए उन्हें बताया कि उनके वालद नवा मोहम्मद अहमद ख़ान अब इस दुनिया में नहीं रहे और अहमद रजा कसूरी जो है ना इस हमले का अदब खुद को करार देते हुए पुलिस के सामने अपना बयान में इल्जाम जुल्खाली भुट्टो पर धरा था चौदह अगस्त उन्नीस सौ तिहत्तर को पाकिस्तान का पहला मुतफ़ा आइन नाफज हुआ तो भुट्टो ने पाकिस्तान के पहले वजीर आजम की हैसीयत से उदे का हलफ उठाया लाहौर के थानेदार के हाथ से कलम गिरने की वजह भी यही थी तब वो वजीर अजम थे यानी एक वजीरी आजम थे उसके ख़िलाफ़ कत्ल का पर्चा दर्ज होना था तो हाथ से कलम तो गिर नहीं है मुझे अच्छी तरह याद है जब लॉयर्स मोमेंट थी मेरे बेटे को अगवा होने की कोशिश की थी तो मैंने जब पहले पर्चे की दरखास्त दी थी उसमें जनरल प्रवेज मिश्रफ का नाम लिया था और जो उस वक्त पुलिस वाला था तो वो गिर गया था नीचे शुरू में मैंने परचा दर्ज करने का कह दिया लेकिन जब मैंने दरख्वास्त पढ़ी फिर माफी तलाफी हुई कहने के क्या चाहते हैं मैंने कहा असल मुजरम चाहिए ये को मेरे दुश्मन है या मुझे डराने की कोशिश ये मैं 2007 की बात कर रहा हूँ और 2023 में मेरे घर पे पेट्रोल पे बम्बों से हमला हुआ डायरेक्ट फायरिंग हुई बैकग्राउंड पे वो चल रही है। सर यादाश के तौर पर बता रहा हूँ तो इसलिए उसके थानेदार के हाथ से कलम गिरना बनता था पंजाब पुलिस के जो सरबरा थे सो अब्दुल रशीद के मुताबिक अहमद रज़ा कसूरी की तरफ से कत्ल किया एफ आई आर में भट्टो का नाम शामिल करने का मुतालबा उन्होंने तस्लीम किया उनके मुताबिक अगर ये कोई साजिश होती है और भुट्टो की होती है, तो क्या महमद रज़ा कसूरी से कहते कि जाओ एफ आई आर दे दो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जुल्फारली भट्टो और कसूरी साहब के अख्तलाफ़ उन्नीस सौ छियासठ में न जब भटो यूप काबी की काबी से मुस्तफ़ी होकर ट्रेन से वापस लाड़का ना जाते हुए लाहौर आए तो उनका इस्तकबाल करने वालों में कसूरी नुमायाँ थे उनके अख्लाफत का आगाज भटो के उस ऐलान से हुआ जो तीन मार्च उन्नीस सौ इकहत्तर को ढाका में बुलाए जाने वाले कौमी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और ना किसी और रुकन इसमी को ऐसा करने देंगे बाज़ अखबारों ने ऐसा लिखा कि ऐसा करने वालों की टाँगें तोड़ दें अहमद रज़ा कसूरी इजलास में शिरकत की ढाका पहुँच गए लेकिन ये इजलास मनकद नहीं हुआ अहमद रजा कसूरी पहुँच गए थे यही से भट्टो और कसूरी के दरमियान फासले बढ़ने शुरू हो गए कसूरी साहब से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया तो उन्होंने इनकार कर दिया पीपल्स पार्टी ने नौकरियां मतल कर दी तो अखिलाफत की खलीज मजीद गहरी होगी कसीरा कसूरी जो है ना अपने वालद के कत्ल के नौ दिन बाद बीस नवंबर उन्नीस सौ चौहत्तर को कौमी असम्बली के अजलास में सुरख रंग के सयाल की एक बोतल समेत आए लिक्विड था उनका दावा था इस बोतल में उनके वालद का खून है वो ये खून आलुदा कमीज भी साथ लाए थे और एलान किया था कि हुकूमत के अरकिन पार्लियामेंट पर कतलाना हमलों को बेनकाब किया जाएगा उन्होंने असम्बली में कहा भटो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कैफरेदार तक पहुँचाऊँगा बाद में एक तहकीकती कमेटी भी बनाई गई जिसके अजीब की तहकीक़त करनी थी अब अकील अब्बास जाफरी लिखते हैं कि अहम रजा कसूरी ने ट्राइबूनल में बयान अलफी में तस्दीम किया कि ज़रूरी नहीं कि हमला वजी अजम के साथ उनके दुश्मनी के नतीजे में हुआ जू ही रिपोर्ट ट्राइब्यूनल की मुकम्मल हुई कसूर ने वजी अजम से मुलाकात कार कोशिशें शुरू कर दी बोले इलम था कि कसूर पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ है और पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर इंतार में कामयाब नहीं हो सकते भुट्टो साहब ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया लाहौर की सेशन अदालत में नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी का कत्ल का इस्तगासा दायर हुआ पाँच जुलाई उन्नीस सौ सतर को जनरल ने सुल्फ्कार अली भट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट करके इकतदार पर कब्जा कर लिया और अहमद रजा कसूरी के मुताबिक उन्होंने लगभग एक हफ्ते बाद लाहौर के सेशन जज की अदालत में नवाब अहमद कसूरी के कत्ल का इस्तगासा दायर कर दिया कुछ दिन बाद फूल साहब के बेटे की बात है हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी कि मुलजमान ताकतवर है इसकी अदालत अपनी ओरिजिनल क्रिमिनल जोरोजिक्शन में इसमें अपने पास ट्रांसफ़र कर लें हाईकोर्ट ने सात एफ आई आर लगी देकर एडवोकेट जनरल को बुलाया उसकी बुझाएँ से समझिएगा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल राशिद अजीज़ ख़ान ये बाद में जज बने जिन्होंने अपने क्लाइंट पंजाब हुकूमत से रहन के लिए पंद्रह दिन की मोहलत मांगी पंद्रह दिनों बाद उन्हें अदालत को बताया कि हम केस लेकर आ रहे हैं तो हमने इस तगासा इसमें ज़म कर दिया है एफ आई आर और इसत एफ आई आर हो चुकी थी इस तगासा उसमें ज़म कर दिया भट्टो तो को तीन सितम्बर उन्नीस सौ सतर को पहली मरतबा ताजीदात पाकिस्तान के तहत एक सौ नौ में कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया लेकिन दस बार दस दिन बाद उनकी ज़मानत होगी शमदानी साहब थे जज बहुत ईमानदार आदमी थे और भुटो को साने वाले जज कौन थे और कैसे मुतनाजा बने हामिद खान अपनी किताब पाकिस्तान की आयनी और सियासी तारीख में लिखते हैं कि मौलवी मुश्ताक ने बेंच का इंतबा बहुत एहतियात किया जकी पाल भुटो के सख्त मुखालिफ थे आफ्ताब हुसैन मौलवी मुश्ताक के मंजूर नजर थे और उन्होंने उसके मुताबिक चलना था बाकी दो जज इलाक़वी फैसला ना लिखने की वजह से मशहूर थे और जनरल जावलक ने अपना उल्लू कैसे सीधा किया ये तारीख की बातें आज पहला हिस्सा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दूसरा मैं फिर बात करूँगा ये अदालती कत्ल कैसे है और ये आज भी उस तरह के जज खत्म नहीं हुए याद रखिएगा वो जज मौलवी मुश्ताक जैसे जज आज भी मौजूद हैं मुनीर की रूह फिर रही है यहाँ पर आज भी इजाज़त जाता हूँ अलैकुम अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद